हाय गाइस, अब तुम देखोगे MF 900 और MF 500 के बीच में स्पीड कंपैरिजन। और ऑब्वियसली मैं इस चीज़ को अकेले नहीं कर सकता, तो मेरे साथ अगर तुम्हें पीछे फ्रेम में दिख रहा है वो बच्चे के साथ जो घूम रहा है, वो है अमर भाई @DreamSkater यूट्यूब पे। उसको फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, मस्त बंदा है। तो हम लोग रेस लगाने वाले हैं। 150 से 200 मीटर तक का डिस्टेंस होगा और हमें देखना है कि कौन सा कितने डिस्टेंस पे कौन सा स्केट जीतता है। अब वो ठीक है, इसमें वेरिएबल ये है कि स्केटर भी अलग अलग है तो स्पीड वैसे भी अलग अलग हो सकती है, बट ये चांस हमें लेना पड़ेगा। तो देखो 900 और 500 के बीच में रेस है। ओके, बैलेंस। MF 900 की एक्सेलरेशन बर्बाद है, वही टकरा गए। बात के डरू मैं। 500 और 900 इस केस में सेम हो गए हैं। मेरी स्केटिंग पे लानत है। एक बार और करेंगे। ऐसे इतनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूं मैं। इज्जत बचा ली मैंने। जान निकल गई भाई, लेकिन मेरी बहुत ज्यादा मार्जिन नहीं है, बट थोड़ा सा ही मार्जिन है। और हो सकता है मैं फुद्दू स्केटर हूँ, इसलिए थोड़ा सा मार्जिन है। भाई लोग एक लास्ट रेस कर रहे हैं, बेस्ट ऑफ थ्री बनाने का सोच रहे हैं हम इसको। तो बस अब मेरे को 900 की इज्जत रखनी है थोड़ी सी। ठीक है, अब अमर भाई शिफ्ट हो गए हैं उस वाली साइड पे, ड्रीम स्केटर, और मैं इस तरफ हूँ। तो देखो क्या रहता है। रेडी सेट गो। जैसे कैसे मैंने 900 की इज्जत बचा ली है, बस दोबारा प्रैक्टिस करूंगा। ठीक है, ये था 500 और 900 के बीच में रेस। ओके, अगली बारी मिलते हैं। चैनल भी सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं किया अभी तक, तो लाइक कर लो, शेयर कर लो वीडियो को। मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ तुम्हें और किस टाइप की वीडियोस चाहिए। ओके, बाय बाय। इंडियन स्केट लोग सलाम।